तो दोस्तों आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि मोबाइल से प्रिंट कैसे निकालते, वो भी विदाउट केबल। दोस्तों आज इसी वीडियो में आपका सॉल्यूशन दूर करने वाला हूँ और दोस्तों प्रिंटर के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज देने वाला हूँ। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास चले और बाद में दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाते हैं। और दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाने के बाद यहाँ पर हम प्ले स्टोर को ओपन कर देते हैं। प्ले स्टोर को ओपन कर देने के बाद हमें क्या करना है कि इप्सॉन सर्च कर लेना है। इप्सॉन सर्च कर लेने के बाद दोस्तों ये वाला ऐप दिखेगा, इप्सॉन आई प्रिंटर। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करते ही आपको ये ऑप्शन ओपन वाला दिखेगा। दोस्तों इस ओपन वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। दोस्तों ओपन वाले ऑप्शन को क्लिक कर देने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो हमें क्या करना है कि एग्री कर देना है। यहाँ पर दोस्तों एग्री कर देना है और बाद में हमें क्या करना है कि ओके कर देना है। दोस्तों आपके पास एचपी का प्रिंटर होगा तो दोस्तों आप एचपी का ऐप ले सकते हो। मेरे पास इप्सॉन का प्रिंटर है, मैं इप्सॉन का दोस्तों ऐप ले लेता हूँ। दोस्तों बाद में हमें क्या करना है कि यहाँ पर वो ए वाला आइकन दिख रहा है दोस्तों, इसको टच कर देना है। टच करते दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, हमें क्या करना है कि यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करते दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करते कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बाद में हमें क्या करना है कि प्रिंटर को ओपन कर देना है, मतलब प्रिंटर को यहाँ पर स्विच ऑन कर देना है। हम प्रिंटर की तरफ दोस्तों चले जाते हैं। दोस्तों प्रिंटर को स्विच ऑन करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर प्रिंटर इज नॉट सेलेक्टेड यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस पर क्लिक कर देने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद और एक बार यहाँ पर लोकेशन मांग गया दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है कि व्हील इज यूजिंग द ऐप, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करते ही दोस्तों यहाँ पर वाईफाई ऑन करने को बोलेगा, दोस्तों ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर ऑन करते ही दोस्तों यहाँ पर बैक लेना है। बैक लेने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, थोड़ा लोडिंग लेगा दोस्तों। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर हमारे जो प्रिंटर का सीरियल नंबर जो है यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जिस भी प्रिंटर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिस भी प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, उस प्रिंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। हमने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों हमारी प्रिंट यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। दोस्तों कनेक्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कनेक्ट आ गया है और हमारे जो ब्लैक शाही है, येल्लो शाही है, यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर काफी सारे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप ऑप्शन को देख सकते हो। बाद में दोस्तों देख सकते हो कि रेडी टू प्रिंटर यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा बैक लेंगे। बैक लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट कंप्यूटर, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर व्हील यूजिंग द ऐप, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि फोटो ऑप्शन दिख रहा होगा, फोटो पर क्लिक कर देना है। फोटो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही यहाँ करना है कि जिसकी भी प्रिंट निकाले उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। हमने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों, और बाद में हमें क्या करना है कि यहाँ पर सेलेक्ट कर क्लिक कर देना है। सेलेक्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है कि एडजस्ट पर क्लिक कर देना है। एडजस्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर हमें क्रॉप करने का ऑप्शन मिल जाता है, हम क्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि हमने क्रॉप कर लिया है, और यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखेंगे, इस तीन ऑप्शन से दोस्तों यहाँ पर आखिरी का ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेना है। दोस्तों आखिरी का ऑप्शन चूज करने के बाद हमें क्या करना है कि प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यस कर देना है। यस करते ही दोस्तों देख सकते हो कि कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो हमें क्या करना है कि थोड़ा छोटा कर देना है। यहाँ पर छोटा कर लेंगे आप इसको, छोटा कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिखे कलर, कलर दोस्तों आपको ब्लैक रखना है या कलर रखना है तो यहाँ पर चूज कर लेना है। तो मैं चूज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ब्लैक रखता हूँ दोस्तों, ब्लैक को क्लिक कर दूंगा। ब्लैक को क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा कि पेपर, पेपर कौन सा लेना चाहते हो, तो पेपर पर क्लिक कर देंगे। मीडिया टाइप, इस पर क्लिक कर देंगे।
इस पर क्या कहेंगे कि मुझे प्लेन पेपर चाहिए तो मैं प्लेन पेपर लेता हूँ, प्लेन पेपर पर क्लिक कर दिया दोस्तों। और दोस्तों हाई क्वालिटी चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे, प्रिंट क्वालिटी। आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो हाई क्वालिटी रख सकते हो, स्टैंडर्ड चाहिए तो स्टैंडर्ड रख सकते हो। मैं मुझे स्टैंडर्ड चाहिए तो मैं स्टैंडर्ड पर क्लिक करता हूँ, बाद में डन कर देंगे। डन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों मैंने ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट किया था, देख सकते हो प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट आ गई दोस्तों। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कि हमारी प्रिंटर यहाँ पर ओपन हो चुकी है, मतलब स्विच ऑन हो चुकी है। और दोस्तों देख सकते हो प्रिंट निकलना चालू हो चुका है। और दोस्तों देख सकते हो काफी अच्छी हमारी प्रिंट निकल चुकी है। इस वाले वीडियो से आपको काफी ज्यादा नॉलेज सीखने को मिल चुका होगा। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि दोस्तों आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी।